आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। आज जगराऊं मेले में हरियाणा से आई हुई मलिक साहब की झुट्टी के बारे में जानेंगे, जो चलाते हैं अपना डेयरी फार्म भी, और वो दूध देती है झुट्टी 24 से 25 लीटर। अगर किसी भाई को उनसे झुट्टी चाहिए तो बड़े ही फिक्स रेट में वो झुट्टियाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस झुट्टी के बारे में। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मिंग लीडर में। बिल्कुल भाई, सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। भाई जी, मेरा नाम रणदीप मलिक है, जींद हरियाणा से हूँ मैं जी। हम रेडी रोड पे, मेरी डेयरी है, मेरे 3 फार्म है जी, और 125 से 150 भैंसे मेरे पास हर टाइम अवेलेबल रहती है। 60 से 70 भैंसे जो है वो मेरे पास सेल की रहती है, और बाकी की मेरी पर्सनल भैंसे हैं भाई जी। तो अब जो आप यहाँ मेले में आए हैं, हाँ, जो हमारे पास ये झुट्टी खड़ी हुई है, हाँ जी, इससे जो है मिल्किंग कंपटीशन के लिए लेके आए हैं या ब्यूटी कंपटीशन? दोनों के लिए लेके आए हैं। पहले भाई जी ये जैसे 23-24 किलो दूध देती रहती है, रेगुलर देती है जी। और ये कोई भाई बोलता है कि मेरी फोर्थ लैक्टेशन में, ये भाई जी 8th लैक्टेशन में 8वीं बार बच्चा दिया है। मतलब ये है कि हर आदमी अपने जो है कम बताता नहीं, लेकिन ज्यादा बता रहे हैं। जो होनी चाहिए वही एक्चुअल बता रहे हैं। और भाई जी अपना ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा डेयरी फार्म है जो फिक्स रेट का है। अच्छा, फिक्स रेट पे भैंस बेचना बहुत मुश्किल बात है, बिकती नहीं है जी जी जी, क्योंकि सब्जी मंडी बना रखी लोगों ने। हम एक एजुकेटेड आदमी है, मैं बैंक मैनेजर की मैंने नौकरी छोड़ के, पोस्ट छोड़ के ये काम कर रहा हूँ जी, तो एक एजुकेटेड हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ये नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया या धोखाधड़ी किसी के साथ में। 3 लाख रुपए मांग के फिर मैं 1.5 की दूं, पहले ही नहीं 1.5 की दे दूं। सही बात, बंदे के पैर भी रुकेंगे और मार भी लेगा, बंदे पैर भी बाहर ले के जाएगा, पीछे लेके आएगा। 1% आदमी ये सोचेगा कि हाँ भाई नहीं, मतलब ये तो टूटता ही नहीं आदमी, वो हो सकता है 100 में से 1% चला जाए, लेकिन जिसको समझ में आता है, हाँ भाई क्वालिटी समझ में आती है, वो जरूर अपने से लेगा। और 99% जो आदमी है ना अपने फैन है भाई जी इसी चीज के, कि हाँ भाई आपका फिक्स रेट होता है। हाँ, फिक्स रेट होता है। हाँ, और जो बात बोल दी बस वही मिलेगी। दूध बता दिया 18 किलो मिले, देखो वो भाई जी उधर खड़े हैं जी, वो मेरे से अभी 7 भैंसे लेके आए हैं, 2 दांत कटड़ी है अभी इनको दिए मैंने। मेरे पास 1 हफ्ते की ब्याई में 17 से 18 किलो दूध था जी, अभी आज 13 दिन की ब्याई है 20+ दूध है, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है आने वाला जी। 2 दांत कटड़ी का इतना, दो दांत कटड़ी जो है 20 लीटर दूध दे रही है। 24-25 किलो की बहुत सारी भैंसे लेके आए, ठीक है, जो दूध बताते हैं वो कम बताते हैं, मिलेगा ज्यादा भाई जी। तो अब जो ये हमारी जो कटली खड़ी हुई है सामने, ये आपके घर की है? ये मेरे घर की है भाई जी, इसको हम फर्स्ट टाइम थी प्रेगनेंट लेके आए थे। अच्छा, इसका फादर भी हमारे पास है, पंचायती बुल अलीशान के नाम से उसके सीमन है, और पंचायती बुल था वो, हम वहाँ से ले आए क्योंकि उसके रिजल्ट ही बहुत बढ़िया थे। वहाँ पे क्या है, इनब्रीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा, उन लोगों ने क्या है कि क्यों उनकी बेटियों की बेटियां फिर किसके ऊपर छोड़े, इनब्रीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने सेल के लिए निकाला, लेकिन गांव रोया था जब बेचा कि हाँ भाई इस हम्बुल को निकाल रहे हैं यहाँ से, मजबूरी में निकाल रहे हैं, मजबूरी है कि उसकी बेटियां ज्यादा थी वहाँ पे। बिल्कुल, और उसकी बेटियां अगर 12-13 किलो वाली भैंस के ऊपर भी, मतलब मान लो उसका सीमन रखा जाता है, तो कम से कम 16-17-18 लीटर की निकलती है, ठीक है। और उसकी ये बेटी है भाई जी, अच्छा, कुंगड़ चैंपियन पहले फर्स्ट आई मुराब मिल्क ब्यूटी में, उसके बाद ये भाई जी मेला चैंपियन बनी थी, ठीक है, और कई बार HLDB के जो ये HLDB के कंपटीशन हुए उसमें 22 किलो 900 ग्राम का रिकॉर्ड रहा, और कई बार ऐसा नहीं रहा कि हाँ भाई मतलब मिल्किंग का हमारे को टाइम लगाओ, क्योंकि हमारा सेल परचेज का काम है भाई। तो अब ये कितने दिन की ब्याई हुई है? अभी ये 25 दिन की ब्याई हो गई है, और हमारे पास ही एक भैंस 17-18 बार बच्चा दे दिया उसने, इस बार 17वीं बार बच्चा देगी अभी 10-15 दिन में, उसका बुल है, उसकी बेटी है। अच्छा, उसकी बेटियां बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, नॉर्मल कम से कम अगर कोई भी कटड़ी निकली है इतना गैप सभी कटड़ियों का, और कम से कम 15-16 लीटर की निकली। अब इसके नीचे जो काफ है वो मेल है या फीमेल है? देखो काफ, अच्छा, दिखाएंगे आपको, टिट की स्पेसिंग दिखाएंगे, देखो देखो बोल दिया दे रहे हैं, हम पीछे से घूम कर। मेन चीज क्या है कि इतनी भीड़ है, काफ ना कोई बिदकना ना चमकना, यही अपने आप में एक क्वालिटी है। ये लेंथ होती है जी मुर्दा की, बिल्कुल हाइट मैटर नहीं करती, जितने ज्यादा हाइट वाली मिलेगी कम दूध की मिलेगी, 90%
10% अच्छी निकल जाती है, मेरे पास भी 26-27 किलो की भी है, 10% में आ गया वो, लेकिन ये बोलता है ना कि हाँ भाई इसका तो जाथल नहीं है, कई बार हरियाणा में भाषा में जाथल नहीं देखा जाता, ब्रीड देखी जाती है, ब्रीड देखी जाती है, हाँ, ब्रीड इसका करेक्टर देखो, होते हैं। देखो इसका देखो जैसे साहीवाल गायों का होता है, नहीं नहीं बच्चा क्या है जो देखो जैसे साहीवाल गायों का गद्दा होता ना ऐसे गद्दा है, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग ऐसे ही तो नहीं, और पुट्ठा देखो दड़वा पुट्ठा नहीं आएगा बिल्कुल। तो मलिक साहब और अपने डेयरी फार्म के बारे में, अपनी झोटी के बारे में किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे और किसान भाइयों को पशुपालन के मामले में क्या सलाह देना चाहेंगे? एक ही बात बोलता हूं भाई जी, कम रखो अच्छी रखो जी, ज्यादा गोवा उठाने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है बिल्कुल, ज्यादा फीड डालने से 10 बांध के मैनेजमेंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है लेबर खर्चा बढ़ जाता है, अगर खुद करते हैं तो ये अपने भाई हैं सिख भाई हैं इनकी बुग्गी जो होती है ना जब ये हरा चारा लेके आते हैं चू चू बोलती हुई आती है, गोवा डाल डाल के पेट बना रखे इतने बड़े बड़े भैंसों के, गलत है ठीक है, भैंस को हमेशा 2.5 से 3 किलो तो सूखी तूड़ी जी बोलते हैं ड्राई फोल्डर, ठीक है, और 4.5-5 किलो फीड एक टाइम का, एक टाइम में हाँ ये चीज दो, और जो ये हरा चारा होता ना ये तो सिर्फ 2.5 से 3 किलो एक सैलेड के रूप में देना चाहिए, अच्छा हाँ इसका तो भाई जी बेनिफिट कम है नुकसान ज्यादा है हरे चारे का। हाँ ये आपने मलिक साहब बहुत बड़ी बात की, क्योंकि क्या होता है कभी छग्गी इसमें तूड़ी में सूखी तूड़ी में इसमें जी इसकी इच्छा थोड़ी होगी फीड खाने की, नहीं होगी, और जो ये खाएगी ज्यादा लीवर खराब करेगी, ठीक है पतला गोवा करेगी वहां तक मारेगी पीछे, और ये देखो यहाँ कितनी टाइम हो गया इसने अभी गोबर नहीं किया, बिल्कुल इनका भी आदमी की तरह टाइम टेबल होता है 2 बार करने का 3 बार करने का, वहां सटते रहो गोवा आ जाओ जी ठीक है सही बात वो गल नहीं है। तो मलिक साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी बातें बताई और अपनी झोटी भी दिखाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई जी, सभी भाइयों साथियों भाई जी से आपने ये जानकारी ली, अगर उनकी दी हुई जानकारी और कोई काम की बात आपके पल्ले पड़ी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रवि त्यागी रवि जोन फार्मिंग लीडर से।